When you say work-life balance and then in values when you say hustle, yeah. So it for us, for someone like us, it is very contradictory. When you hustle, you don't think about work-life balance. So see, how hustle, do you differentiate? Yes. Hustle is situation dependent. Yes. It is not life dependent. Mm-hmm. पूरी उम्र थोड़ी hustle करना है. कुछ टाइम के लिए हसल करना है ना. मैंने भी किया था, एक साल दो साल, जैसे मैं कह रही हूँ शुरू के तीन साल मामा और जब स्टार्ट किया था तो मैंने खोया है वो वर्क लाइफ बैलेंस. मैंने वो लाइफ को भी इंजॉय करना है और बैलेंस बना के चलना है वो चीज़ नहीं देखी. इसलिए मुझे उसकी इम्पोर्टेंस पता है. इसलिए मैं एडवोकेट बन गई हूँ कि यार एंटरप्रेन्योरशिप में काम और लाइफ दोनों हैंड इन हैंड चलनी चाहिए. राइट. तो हसल इज़ टेम्प्ररी. यू हसल फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. आप दो साल हसल करके एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस बना लोगे जिसके बेनिफिट्स आप बाकी आगे रीप करोगे. तो दैट्स इन्वेस्टमेंट. गॉट. दैट्स नॉट के वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो गया. वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब तब होता है जब आप कह रहे हो कि यार हम तो सात दिन हर रोज 365 डेज काम करेंगे दिन रात. ऐसा कौन कह रहा है? जब आप वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सोचते हो आप एक्चुअली अपना टाइम बहुत एफिशिएंटली मैनेज करते हो. आपको पता होता है कि मेरे पास ना ये 12 घंटे का विंडो है. इस 12 घंटे में मैंने काम काम पे ये करना है, मैंने पर्सनल लाइफ में ये करना है. एंड विच इज़ वेयर आई से कैलेंडराइजेशन इज़ समथिंग विच इज़ रियली हेल्प मी. पहले क्या होता था, कैलेंडर में सिर्फ वर्क मीटिंग्स हैं तो वो सुबह 8 बजे से जो है रात को 8 बजे तक वर्क मीटिंग्स ही चल रही हैं. और पर्सनल लाइफ, पर्सनल कमिटमेंट्स, पर्सनल लाइफ में भी तो कितने काम होते हैं करने को, वो मिस हो जाते हैं. फिर आप वीकेंड्स पे सोचते हो कि यार अब मैं पर्सनल काम कर रहा हूँ, मैं वीकडेज पे घर का, आई एम वेरी टायर्ड, आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, आई डोंट हैव टाइम टू इंडल्ज इन टू माई पैशंस विच आई वॉन्ट टू पिक अप. दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी. वेन यू पुट थिंग्स इन अ कैलेंडर, योर वर्क एज वेल एज योर पर्सनल स्टफ, एंड यू वर्क विद इन दोज टाइम फ्रेम्स. कि यार मैंने बिजनेस आइडिया पे प्लान करना है, मैं 2.5 घंटा काम करूँगा, वट एवर कम्स आउट, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू माई नेक्स्ट जॉब. After that, what's in the calendar, I'm going to move out to that. And I will keep doing that every day. आपको मतलब 6 महीने में अपना difference दिखना शुरू हो जाएगा, where you will be able to manage your time much more efficiently and you actually become a better person when it comes to output. Makes sense. But can you schedule creativity? Because you can't be like for example, I can't think of ideas. I'll be like 7 to 8 when ideas सोचूंगा. ऐसे थोड़ी आते हैं ideas. हाँ तो हाउ डू यू शेड्यूल? बिकॉज शेड्यूल में आई कैन पुट कि हाँ ये मीट और है, जैसे ये काम करना है, बट आइडियाज कैसे मैं शेड्यूल? और जैसे कुछ भी ऐसे फैमिली वाली चीजें हैं, एकदम से आपका मन कर गया हाँ. ये अब तो नहीं मेरे को अपने किड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो देन हाउ डू यू लाइक उसको कैसे आप मैनेज करते हो? मन कर गया पे डिपेंडेंट मत रखो ना. वही कह रहे हैं. तो आप शेड्यूल मीटिंग के पॉडकास्ट के बीच में मेरा मन कर गया, मैं बच्चों के पास जाना है तो मैं छोड़ के थोड़ी चल जाऊंगी. उसके लिए मैंने तो मैं एटलीस्ट डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे मैनेज, मंथली बेसिस पे मैनेज करने की टाइम करती हूँ. जैसे ऑन अ डेली बेसिस अगर मैं गुड़गांव में हूँ, क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा है कि हम ट्रैवल भी काफ़ी करते हैं, तो मेरा फिक्स्ड होता है कि बिटवीन 7 and 7:30 आई एम गोइंग टू गो बैक होम. घर जाने के बाद फ़ोन चला जाता है बैग में और फिर वो फ़ोन निकलता नहीं है 9 बजे तक. वो वाला जो टाइम है विच इज 7:30 to 9, 9:30 इज अनडिवाइडेड अटेंशन टू माई किड्स. उनका दिन कैसा गया, उनको कहाँ पे हेल्प चाहिए, उनके साथ डिनर करना है, उनको पुटिंग देम टू बेड, रीडिंग देम स्टोरीज, मैं यही सारा काम करती हूँ. फिर मैं फ़ोन निकालती हूँ 9 बजे. बिकॉज अदरवाइज पहले मैं क्या कर रही थी, विच इज़ मैंने सीखा किससे कि ऐसे होना चाहिए आइडली. पहले मैं जब ऑफिस में थी तो मैं फ़ोन पे बच्चों के मैसेजेस देख देख के खराब मतलब फील करती रहती थी, घर जाना घर जाना घर जाना. जब मैं घर जाती थी तो मैं ऑफिस के मैसेजेस देख देख के यार ऑफिस में ये हो रहा है ये हो रहा है. तो नाइदर आई वाज हैप्पी इन ऑफिस नॉर आई वाज फुली देयर विद माय किड्स विच इज़ नॉट हेल्पिंग एनीबडी. ना मेरे बच्चे खुश हैं जब मैं उनके पास हूँ, ना ऑफिस में मैं अपना कंप्लीट आउटपुट दे पा रही हूँ क्योंकि मैं घर के बारे में सोच रही हूँ. सो दैट मतलब वो नहीं चलता. इफ़ यू ब्लॉक टाइम कि अच्छा दिस इज़ फॉर वर्क, and when I'm saying work, I will be 100% devoted to my work. Until and unless there's an emergency, nobody from home can call me. And then you build a ecosystem back at home कि आपके बच्चे जो हैं, for example हम तो हमारे parents भी हमारे साथ ही रहते हैं, तो they take care of the kids. Then towards the second half, which is kids, I don't want
एनी वर्क टू कम इन बिटवीन, बिकॉज वो फिर आपका माइंड पुट ऑफ हो जाता है, फिर आप हेल्प नहीं कर पाते, बट आप उसके बारे में सोचते हो, उसके बारे में डिस्कस करते हो, फिर आप वो बच्चों से उनका टाइम ले लेते हो. और एक्चुअली आप इससे रियलाइज करोगे, जब आप क्वालिटी टाइम देते हो ना किसी भी बंदे को, बीट योर पेरेंट्स, बीट योर किड्स, एक्चुअली एन आर और आर एंड हाफ इज ऑल्सो वेरी गुड टाइम. मतलब बाय द टाइम आई पुट देम टू बेड, आई नो माई किड्स आर टायर्ड ऑफ मी, लाइक दे डोंट लाइक अच्छा हो गया, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं एंड देन यू आर ट्राइंग टू लाइक दे ऑल्सो फील केयर. ओके, आई नाउ नेक्स्ट वीक आई एम ट्रैवलिंग, आई एम इन रियाद, सो आई विल नॉट बी देयर विद द किड्स फॉर अबाउट 5-6 डेज, बट देन आई एम इंश्योर्ड कि मेरा सैटरडे संडे फ्री है, जो मैं फुली उनको डिवोट करूँगी. तो बहुत बार वीकली बेसिस पे आप चीज़ें नहीं मैनेज कर पाओगे, बहुत बार मंथली बेसिस पे आप चीज़ें नहीं मैनेज कर पाओगे, बट उसका टाइम फ्रेम बढ़ा दो, 45 डेज कर दो, 60 डेज कर दो, उतने में मैनेज कर लो.